सिद्ध चक्र महात्म्य। मगध देश की राजधानी राजगृही नगरी में राजा सैनिक राज्य करता था। उसके अंतपुर में शील स्वभाव और सौंदर्य में अनुपम सुनंदा, चेलना, धारिणी आदि अनेक रानियां थी। अभय कुमार, कौनिक, हल विहल और मेघ कुमार आदि अनेक विवेकी, गुणी एवं शूरवीर पुत्रों के परिवार से परिवरित राजा आनंद और सुख से रहता था। शालीभद्र, धन्ना शाह आदि अनेक सेठ, साहूकार, सार्थवाह एवं गाथापति आदि ने उस राजगृही नगरी को अपने निवास से अलंकृत किया। राजा सैनिक न्याय नीति से राज्य के संचालन और प्रजा के संरक्षण में लीन था। महाबुद्धि निधान अभय कुमार की बुद्धि ने राजा सैनिक की राज्य व्यवस्था को सरल, सर्वश्रेष्ठ और सबके लिए सुखकर बना दिया था। मगध की प्रजा राजा सैनिक के राज्य में सुख चैन से रहती थी। एक दिन प्रातः काल ही गुणशील उद्यान के संरक्षक ने राजा सैनिक के निकट आकर निवेदन किया, महाराज आज अभी ही गंधर्व प्रभु श्री इंद्रभूति ने सपरिवार उद्यान में पदार्पण किया है। राजा सैनिक प्रातः काल में ही यह शुभ संवाद सुनकर अतीव प्रसन्न हुआ। वनपाल को पुरस्कृत करके सपरिवार राजा सैनिक श्री गंधर्व प्रभु के समीप पहुंचा। सविधि वंदन करके अपने लिए उचित स्थान पर राजा सैनिक बैठा। नगर जनता भी गंधर्व प्रभु का प्रवचन सुनने को आई। इंद्रो एवं देवगण ने स्वर्ण कमल की रचना की। श्री गंधर्व प्रभु ने स्वर्ण कमलासीन होकर प्रवचन फरमाया। भव्यों, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, राग, द्वेष आदि व्याधि और उपाधि के स्थान रूप इस संसार में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और काशायिक परिबलों के सहवास से अनंत चतुष्टयाधिपति आत्मा कार्मिक बंधनों से आप ही अपने को बांधकर नरक निगोदादि के भयंकर दीर्घ और असह्य दुख भोगता है। भव भवांतरों में भटक भटक कर संतापित होता रहता है। उसे सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। श्री वितराग प्रभु ने फरमाया है, आत्मा जब तक मिथ्यात्व आदि पांचों प्रमाद स्थानों को नहीं छोड़ता है तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः हे भव्यों, यदि तुम्हें सुख प्राप्ति की चाहना है तो विभाव दशा के मित्र इन मिथ्यात्व आदि का त्याग कर निज नैर्मल्य धर्म की शरण स्वीकार करो। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। जैसे कि कहा है उत्तराध्यायन सूत्र में, दुर्लहे खलु मानुषे भवे। देव योनि मिलना आसान है पर मनुष्य जीवन मिलना सुलभ नहीं है। यदि इस मनुष्य भव को भोग विलास रंग राग और परस्पर की ईर्ष्या घृणादि प्रपंचों में यापन कर दिया तो याद रखो फिर यह जीवन मिलना असंभव हो जाएगा। स्वभाव दशा पर स्थित विभाव दशा के आवरण को हटाने के लिए मनुष्य जीवन परम उपयोगी है। इसीलिए कहा गया है, कम्मानं तु पहानाए अनुपुविं कयायु जीवासो हि मनुपत्ता आययन्ति मनुसयम्। जब अशुभ कर्मों के दलिकों का क्षय होता है आत्मा कुछ शुद्ध और पवित्र बनती है तब कहीं वह मनुष्य योनि में आती है। जो प्राणी छल कपट से दूर रहता है, प्रकृति से सरल होता है, अहंकार से रहित होकर विनयशील होता है, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करता है, जो दयालु है, किसी भी प्राणी को दुखी देखकर जो द्रवित होता है वह जीव मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म पाता है। 10 दृष्टांतों से दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो जीव अत्यंत दुर्जय मन को शुभ ध्यान में संयोजित करता है वह सुख को प्राप्त करता है। वे 10 दृष्टांत कौन से हैं? 10 दृष्टांत बताते हुए कहा गया है, चुल्लग पासक धन्ने जुए रैने यस्मिन चक्कीय कुम्मजुगे परमाणु दश तिठंता मनु अलंभे। भोजन, पाशक, धान्य, द्युत, रत्न, स्वप्न, राधावेद, कुर्म, युग और परमाणु, ये 10 दृष्टांत मनुष्य जीवन की दुर्लभता पर कहे गए हैं। पहला है भोजन। एक ब्राह्मण पर चक्रवर्ती प्रसन्न हुआ। तब उस ब्राह्मण ने वर मांगा, राजन आपके गृह से प्रारंभ करके आपके राज्य के प्रत्येक घर के एक एक दिन मुझे भोजन मिले। चक्रवर्ती ने आज्ञा दे दी। अब इस प्रकार भोजन करता हुआ वह ब्राह्मण पुनः चक्रवर्ती के घर कब भोजन करे? उसे अपने वर्तमान भव में तो पुनः चक्रवर्ती का घर तो ठीक पर चक्रवर्ती के राजधानी में प्राप्त होना संभव नहीं। इसी प्रकार गया हुआ मनुष्य भव प्राप्त होना दुर्लभ है। दूसरा दृष्टांत है पाशक का।
चंद्रगुप्त मौर्य का खजाना भरने के लिए उसके मंत्री चाणक्य ने देवाधिष्ठित पासे बनाकर नगर में घोषित किया कि द्यूत क्रीड़ा में मुझे जो पराजित करेगा उसको थाल भर के स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, हारने पर उसे मैं एक स्वर्ण मुद्रा लूंगा। अनेक ने चाणक्य के साथ द्यूत खेला पर कोई भी जीत न सका। चाणक्य अपराजेय रहा क्योंकि वह देवाधिष्ठित पासों से खेलता था। इस खेल में चाणक्य को जीतना जैसे दुर्लभ था, उसी प्रकार गया हुआ मनुष्य भव पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है। तीसरा दृष्टांत है धान्य का। भारत वर्ष के जितने भी धान्य हो उन सबको एक स्थान पर एकत्र ढेर किया जाए, फिर उस ढेर में मुट्ठी भर सरसों डालकर अच्छी प्रकार उथल पुथल करके मिला दे। बाद में जरा जीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया जिसके हाथ कांपते हो, गर्दन कांपती हो, आंखों से जिसको कम दिखता हो, उसको कहा जाए कि इस पर्वतोपम ढेर में से सरसों के दाने निकाल दो, तो क्या वह बुढ़िया यह कार्य कर सकती है? संभव नहीं है। इस तरह गया हुआ मनुष्य जन्म पुनः प्राप्त करना संभव और सहज नहीं। चौथा दृष्टांत है द्यूत का। किसी राजा का राजपुत्र प्रौढ़ हो गया पर राजा ने उसे राज्य नहीं दिया। तब राजकुमार ने पिता को मारकर राज्य लेने का षड्यंत्र किया पर राजकुमार के इस षड्यंत्र का राजा को पता हो गया। राजा ने उसे बुलाकर कहा, पुत्र, अपने वंश की मर्यादा है कि जिस पुत्र को पिता के जीवन काल में ही राज्यासन लेने की इच्छा हो वह राज्यसभा के 108 पासों वाले 108 स्तंभ है। उन प्रत्येक स्तंभों के प्रत्येक पास को द्रुत क्रीड़ा में जीते, इस प्रकार सभी स्तंभों के पासों को जीते। यदि खेलते हुए बीच में एक भी दाव राजकुमार हार जावे तो उसके जीते हुए सब दाव निष्फल हो जाते हैं। पुनः प्रथम से खेलना होता है। इस प्रकार खेलते हुए यदि राजकुमार सभी दाव जीत जावे तो उसे राज्य मिल जाता है। इस प्रकार राजा की बात सुनकर राजकुमार ने विचार किया, पितृ हत्या करके राज्य लेने की अपेक्षा यह द्यूत जीत कर राज्य लेना अच्छा है। इस तरह वह राजपुत्र निश्चय करके द्यूत क्रीड़ा में बैठा, परंतु उक्त प्रकार के द्यूत में विजयी होना सर्वथा असंभव और दुर्लभ है। इसी प्रकार गया हुआ मानव जीवन सुलभ नहीं है। पांचवा दृष्टांत है रत्न का। किसी साहूकार के पास करोड़ों रुपए के मूल्य के अनेक रत्न थे, परंतु उसने उन रत्नों में से कुछ एक रत्न भी विक्रय करके अपने को कोटि ध्वज यानी करोड़पति प्रकट नहीं किया। उसके पुत्रों को पिताजी की यह बात अच्छी नहीं लगी। कार्यवश साहूकार को विदेश जाना पड़ा। पीछे से उसके पुत्रों ने रत्न बेचकर अपने निवास पर कोटि ध्वज के प्रदर्शक ध्वज लहरा दिए। जब कार्य की समाप्ति पर साहूकार घर आया तो उसे सारी बात मालूम हुई। वह पुत्रों पर नाराज हो गया। उसने पुत्रों को घर से निकालकर उन्हें कहा कि सब रत्न लेकर ही तुम मेरे घर में आना। पुत्रों ने तो दूर सदूर के रहने वाले व्यापारियों के हाथ रत्न बेचे थे और उनके स्थान का कोई पता उनके पास नहीं था। अतः वे श्रेष्ठ पुत्र रत्नों की पुनः प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हुए। इसी प्रकार भोग विलास में मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा देने पर इसकी पुनः प्राप्ति सर्वथा संभव नहीं। छठा दृष्टांत है स्वप्न का। मूलदेव नाम का एक राजपुत्र किसी एक नगर की पांतशाला में रहा। रात्रि में उस राजकुमार और एक भिखारी को चंद्रपान का स्वप्न आया। प्रातः काल में उस भिखारी ने साथी भिखारी को स्वप्न फल पूछा। तब उसने कहा, तुम्हें आज भिक्षा में घी शक्कर वाली रोटी मिलेगी। यह सुनकर वह भिखारी खुश हुआ, उसको उसी प्रकार की भिक्षा मिली। इधर मूलदेव ने किसी स्वप्न लक्षण पाठक को उत्तम पुष्प देकर स्वप्न का फल पूछा। स्वप्न लक्षण पाठक ने कहा, आज से सातवें दिन तुम्हें राज्य मिलेगा। मूलदेव सातवें दिन राजा भी हो गया। यह बात सुनकर वह भिक्षुक अत्यंत पश्चाताप करने लगा। मूलदेव के समान फल प्राप्ति के लिए वह सतत सोने लगा, परंतु उसे वह स्वप्न फिर नहीं आया। इसी प्रकार प्राप्त मनुष्य जीवन एक बार गंवाने के बाद पुनः मिलना असंभव है। सातवां दृष्टांत है चक्र का। किसी राजा ने 22 रानियां और 22 पुत्र होने पर भी मंत्री की पुत्री के साथ विवाह किया, किंतु राजा का उस रानी के साथ एक बार ही समागम हुआ था। देवयोग से वह रानी उसी दिन सगर्भा हो गई। पिता के घर पर रहते हुए उसने पुत्र को जन्म दिया। वह बड़ा होकर कलाचार्य के पास विद्या अध्ययन करके दक्ष हो गया। राजा के अन्य राजपुत्र प्रमादवश कला कुशल नहीं हो सके। इधर किसी अन्य राजा की स्वयंवरा कन्या ने विचार किया कि इस राजा के अनेक पुत्र है तो कोई मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। सपरिवार वह उस राजा की सभा में आई। राजा के पूछने पर उस राजकुमारी ने राधावेद साधक को वरन करने की अपनी प्रतिज्ञा घोषित की। सब राजपुत्रों ने प्रयास किया लेकिन वे प्रमादी और अन्नाभ्यासी थे, अतः पराजित हो गए। राजा को अति दुखी देखकर मंत्री ने अपने पुत्री के पुत्र को बुलाया। राजा को चिन्हादि से निश्चय करवा कर मंत्री ने उसको राधा वेद साधने का संकेत किया। लीला मात्र में उसने राधा वेद साध कर उस आगंतुक राजकन्या से विवाह किया। प्रसन्न हुए राजा ने राज्य भी उसी को दिया। वे सब राजकुमार प्रमाद के कारण दुर्दशा प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रमाद में यापित मनुष्य भव फिर मिलना अतीव दुर्लभ है। आठवां दृष्टांत है कूर्म का, सेवाल का। किसी विशाल जलाशय में अनेक वर्षों से सेवाल काई की बड़ी मोटी तह आच्छादित थी।
प्रकाश की एक किरण भी उस जलाशय के जल जीवों ने नहीं देखी थी। एक दिन बड़े जोरों का अंधड़ चला और उस शैवाल में कहीं छोटा सा छेद हो गया। तभी किसी कछुए ने गर्दन ऊंची की तो ऊपर आकाश में नक्षत्र, चांद और तारागण का शुभ्र प्रकाश दिखा। कछुआ हर्ष से उछल पड़ा, उसने कभी भी प्रकाश देखा नहीं था। वह अपने साथियों को भी अपूर्व प्रकाश दिखलाने की इच्छा से उन सबको बुलाने गया, पर इधर तेज अधड़ के कारण छेद पुनः बंद हो गया। कछुआ देर तक इधर उधर भटकता रहा, पर साथियों को कुछ भी न दिखला सका। उस कछुए को छेद न मिल सका, इस प्रकार गया हुआ मनुष्य जीवन दुर्लभ है। नौवा दृष्टांत है युग का। स्वयंभू रमन समुद्र सबसे बड़ा माना गया है। उस समुद्र के पूर्व किनारे से कोई एक जुआ पानी में छोड़ दे और पश्चिम तट से एक किली, क्या कभी हवा के झोंकों से लहरों में लहराती किली जुए के छेद में अपने आप लग सकती है? संभव है यह अनहोनी घटित हो भी जाए, किंतु एक बार खोया हुआ मनुष्य अवतार फिर मिलना दुर्लभ है। दसवां दृष्टांत है परमाणु का। कोई देवता एक स्तंभ को पीसकर उस चूर्ण को बांस की नली में डालकर मेरु की चोटी पर खड़ा होकर उड़ा दे, तेज हवा के कारण वह चूर्ण सर्वत्र फैल जाता है। फिर पुनः उन परमाणुओं को संचित करना संभव नहीं, किंतु संयोग से देवता यह भी कर ले, परंतु गए हुए मनुष्य भव को पाना दुर्लभ है। यही बात बताई गई कि 10 दृष्टांतों से दुर्लभ इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर जो जीव अत्यंत दुर्जय मन को शुभ ध्यान में संयोजित करता है वह सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि शुभ सालंबन ध्यान में मन को संयोजित करने से वह शीघ्र नियंत्रण में आ जाता है। सालंबन ध्यान करने के लिए सूत्रों में अनेक मार्ग दिखलाए हैं, पर उन सब में सिद्ध चक्र का आलंबन सर्वोत्तम है। सिद्ध चक्र अर्थ सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इन 9 पदों से सिद्ध है। जय आनंद।